आवाज चेक करो आवाज आ रहा है आज वॉइस की क्रांतिकारी क्लास लेनी है चेक करो बढ़िया साउंड बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा आज बच्चों को वॉइस का बेसिक सिखा देना है पूरी तरह से गुड अब आज आ रहा है बच्चे आवाज गूंज तो नहीं रहा चेक कर लो एवरीथिंग इज फाइन आवाज क्लियर ओके साउंड इज क्लियर एक्चुअली हम लोग आज ना एक अलग सा क्लास लेने वाले हैं वॉइस ये पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ ना तो आज पूरे हिंदुस्तान में वॉइस की बहुत किल्लत है वॉइस और नरेशन से बहुत बच्चे डरते हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा मैं चाहता हूं कि आप मुझे बता दो पहले कि टेंस की एक बेसिक समझ है ना आपकी अगर वो समझ है तो वॉइस आपके लिए आज क्रांतिकारी होगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा कितना भी ज्यादा कोई दिक्कत हो तो वॉइस तो मैं आपको समझाई दूंगा आज तो आज वॉइस पे थोड़ा सा लंबा क्लास ले लूं थोड़ा सा बढ़ चलेगा से थोड़ा सा मैं देख लूं आपका जो क्लास है यहाँ पे बेसिकली तहत से तो आप कॉपी कलम निकाल लो ठीक है और नहीं तो इसमें भी स्क्रीन शॉट लेते रहना आप क्योंकि आज थोड़ा सा क्लास में लंबा खुचूंगा और आपको सिखा करके छोड़ूंगा आज ऐसे नहीं आज बीच में नहीं छोड़ना

तो सोचते हैं सर वॉइस बना दें बैंगो राम है ना तो हम लोग वॉइस बचपन से इस तरह से पढ़ते आए हैं और हिंदुस्तान के सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते आ रहे हैं हम भी पढ़ाते आ रहे हैं सब मैं भी सब लेकिन प्रश्न उठता है क्रांतिकारी क्या होना चाहिए आपके लिए आप कैसे क्रांतिकारी बने आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है तो सबसे पहला है कि वॉइस पढ़ने के लिए आपको क्या जरूरी है क्या चाहिए और किस किस एग्जाम में वॉइस आता आता है कि आता है कितने मार्क्स हर चीज पहले जानो फिर मैं आपसे बात करता हूं मैं बात करूं वॉइस से अगर वॉइस आप चाहते हो अंग्रेजी पढ़ना हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स कुछ भी करना चाहते हो अगर आप रीडिंग करना चाहते हो और रीडिंग के साथ साथ आप चाहते हो कि रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग हो रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग हो अगर आप वॉइस का नॉलेज नहीं है तो आप रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग कर नहीं पाओगे किसी भी आपने हिंदू पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा मैगजीन पढ़ा कुछ भी पढ़ा और कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो रीडिंग हैबिट है और अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब है कि वॉइस आपका कमज़ोर है इसलिए वॉइस जरूरी है अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो स्पोकन करना चाहते हो तो बिना वॉइस का स्पोकन आपका कमजोर रहेगा लाइफ टाइम कहती देता हूं कि आप स्पीकिंग नहीं कर पाओगे अगर वॉइस का नॉलेज नहीं है तो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री अगर आप राइटिंग करना चाहते हो राइटिंग करना चाहते हो सोचते हो सर वॉइस की क्या जरूरत क्योंकि बाई तो सर लगाते हैं बिना बाई का लिख गलत कॉन्सेप्ट आपको वॉइस का मतलब होता है व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट देन वी यूज वॉइस वॉइस का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आपको स्पोकन राइटिंग में हर जगह वॉइस कायम आएगा इसके बिना आप लिख भी नहीं पाओगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं फटाफट फ़ड़। ये दो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया आपको अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखो वॉइस पढ़ने का फ़ायदा अगर आप भूल चूक से ए सी सी जी एल सी सी जी एल का एग्जाम देते हो ऐसे सी सी जी एल का एग्जाम देते हो तो वॉइस से लगभग ट्वेंटी क्वेश्चन पूछ जाते हैं ट्वेंटी मार्क्स पूछ जाते हैं अगर आप सी का एग्जाम देते हो तो सेम यहाँ भी ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स पूछ जाते हैं और अगर आप यू की तैयारी करते हो तो यू में फाइव क्वेश्चन फाइव मार्क्स जाते हैं इसके साथ साथ स्पीकिंग राइटिंग हर चीज़ में वॉइस की जरूरत पड़ती है बिना वॉइस के कुछ कर नहीं सकते सोच नहीं सकते लिख नहीं सकते बोल नहीं सकते एग्जाम नहीं पास कर सकते क्या क्या कहूं अंग्रेजी ही पंगू बन जाएगा अंग्रेजी ही कुछ नहीं कर सकते इसलिए वॉइस बेहद

पहला दिन होगा आपके लिए इसलिए निकाली फटाफट अब देखते हैं वॉइस पढ़ने का फायदा क्या है ये जान लिया हमने अब वॉइस समझे कैसे सबसे पहले समझो बच्चे कि जिस चीज को हम सोच सकते हैं जिस चीज को हम बोल सकते हैं दुनिया में हर चीज टेंस और वॉइस पर बेस्ड होता है बिना टेंस का कोई सेंटेंस नहीं है और बिना वॉइस प्लेटा पांच जल्दी से फटाफट जल्दी दो सब 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 और इसमें। आज थोड़ा सा लाइव बेटा ज्यादा आ रहा हूं डीएसए लर्निंग पे भी आज लाइव आया हूं उसमें टेंस का बेसिक दिया हूं है ना तो डीएसए लर्निंग अपना ही चैनल है उसको

तो घर बैठे पढ़ लो अंग्रेजी क्या करना है जी ध्यान देना उसमें जो है एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं आपको कितना नंबर है ट्रिपल नाइन जीरो नाइन थ्री सिक्स नाइन सिक्स फोर नाइन सिक्स फोर नाइन सिक्स फोर ये तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर है फटाफट लिख लो उसको ट्रिपल नाइन जीरो नाइन थ्री सिक्स नाइन सिक्स फोर आपको कुछ क्लास चाहिए फाउंडेशन बैच चाहिए पीटी से मेंस बैच चाहिए यूपीएससी का बैच चाहिए एसएससी का बैच चाहिए सीपीओ का बैच चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो मेरे को कॉल करो और कॉल करके मेरे को बताओ व्हाट्सअप कर बताओ और कैसे हो सकता है इसके लिए ऑफर का क्या लाभ मिल सकता है शायद मुझे जहाँ तक पता है कि फोर ट्रिपल नाइन में पूरा फाउंडेशन क्लास और इसके साथ साथ चार हज़ार का बुक्स बुक्स ये शायद फ्री मिल रहा है ये ऑफर में फ्री है बिल्कुल फ्री ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया गोल्डन ऑप्शन है मात्र नौ नौ सौ निन्यानवे में क्लास मिल रहा है आपको चार हज़ार का बुक्स फ्री के साथ किताब फ्री टोटल आठ दस किताब जो मिलेगा सब किताब फ्री के साथ काम मिल रहा है चलिए वापिस आते हैं प्रचार बंद वॉइस शुरू करते हैं अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वॉइस पढ़ने के लिए हम लोग करना क्या है वापिस आते हैं वॉइस बिल्कुल जड़ से कैसे पढ़ा जाए अब देखो बेटा सबसे पहले बात करूं वॉइस का तो ध्यान देना कुछ भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो सबसे पहले टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट अब मैं कुछ लिख रहा हूं ध्यान देना कि सब्जेक्ट लिखा वी मतलब वर्ब लिखा और ओ मतलब ऑब्जेक्ट लिखा इस बात को समझिए गौर से क्या लिखा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दो तीन बार समझना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह के स्ट्रक्चर को हम अभी कोई टेंस नहीं कहते हम लिखा वी वन वी वन लिखा वी टू लिखा वी थ्री वी और वी फाइव ये किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है इसलिए इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं क्या कहते हैं बच्चे एक्टिव वॉइस यानी सब्जेक्ट प्लस V1, V2, V3, V4, V5 वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं एक्टिव वॉइस का मतलब होता है बच्चे टेंस इसे हम टेंस कहते हैं ध्यान देना यानी कि सब्जेक्ट यहाँ एक चीज और सुधार दूँ आपको आपकी जानकारी के लिए कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे कोई ना कोई एक्सलरी भर डाल दिया ध्यान देना अगर एक्जली बस समझ में नहीं आता है तो इसे मैं करता हूं हेल्पिंग वर्ब राइट यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म जैसे सर क्या होता है v1 v2 सर नहीं पता सर तो ध्यान दो गो गो वेंट गॉन गोइंग गोस ईट एट ईटन ईटिंग ईट्स राइट गो वेंट गॉन गोइंग गोस ईट एट ईटन ईटिंग ईट्स राइट right? ये आप देख पा रहे हो इस तरह से इस वीडियो को ध्यान से देखें आप तो हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव ध्यान देना हमने कहा गो वेंट गॉन गोइंग गोज ये चार पांच फॉर्म होते हैं इसको हम लोग टेंस का नाम देते हैं क्या बच्चे थोड़ा तो बीच में वीडियो रुक रहा है क्या जी प्रत्येक नहीं ना रुक नहीं रहा अब इसको हम लोग नाम देते हैं किसका टेंस का अब ये तुम्हारा टेंस हो गया अब किसी भी सेंटेंस को अगर आप पैसी बनाना चाहते हैं किसी भी टेंस को अगर पैसी बनाना चाहते हैं तो क्या करना है सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ये बात ध्यान रखिए यानी सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे क्यों बनाएंगे सर ये सब बताया जाएगा उसके बाद कोई ना कोई अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए क्या करना है बता दूंगा जस्ट अभी बैठ करो पांच मिनट का समय दो पूरा वॉइस दिमाग में डाल दूंगा बस पांच मिनट समय दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो उसके बाद एनी फॉर्म ऑफ दर्ब कम सब ध्यान रखिए एनी फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब का कोई भी फॉर्म हो उसको वी थ्री में बदल दो वर्ब का फॉर्म हो हो टू हो हो हो, हो थ्री में चेंज करेगा वर्ब का कोई फॉर्म हो वी थ्री में चेंज करेगा वी थ्री में चेंज करेगा आफ्टर थ्री इज यूज बाई का प्रयोग करो ऑब्जेक्ट लगा दिया इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं एनी नाम इसी का है समझिएगा कि सब्जेक्ट प्लस एक्टिव एक्टिव मतलब टेंस होता है चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास हो चाहे हो perfect हो चाहे या ऐसे ही पैसिव पैसिव होगा passive का दो पहचान ध्यान रखा पहला आएगा ही आएगा यानी बिना का वॉइस नहीं हो सकता बिना का वॉइस नहीं हो सकता अगर वॉइस है तो भित्री होगा अगर वॉइस है तो भीतरी होगा रट्टा तो मार लो अब इसको तो हमने

यहां पर लिखा हमने फ्यूचर ये ध्यान रखिए अगर ये चार पांच कॉन्सेप्ट को आपने दिमाग में रख लिया तो अंग्रेजी चुटकियों में वॉइस चुटकियों में अगर आपका प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट कब भी बनाना हो तो आपको ध्यान देना है इज एम आर प्लस वी थ्री अगर प्रेजेंटेंस बनाना हो तो एम मार प्लस वी थ्री सेम होगा इजे मार प्लस वी थ्री प्रेजेंट का मतलब हो गया आप यह ध्यान दीजिए चाहे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट तो एम मार होगा या वाज होगा दूसरा कहा अगर पास्ट हो हमने कहा पहला इजे मार प्लस वी थ्री और अगर पास्ट हो तो याद रखना है वाज वार प्लस वी थ्री ये ध्यान रखिएगा इज एम आर प्लस भित्री और वाद भित्री कॉन्टिन्यूस हो कॉन्टिन्यूअस तो कुछ नहीं करना बी ई आई एन जी बी इन प्लस भित्री जो ट्रिक्स दे रहा हूँ इसी को याद रखना है अगर परफेक्ट हो परफेक्ट हो तो ध्यान देना बीन बजेगा बीन प्लस भित्री और अगर फ्यूचर हो तो बी प्लस भित्री फ्यूचर हो तो बी प्लस भी थ्री इतना चीज अगर याद रखा बच्चे तो आपसे कभी गलती नहीं होगा बाकी स्ट्रक्चर जो टेंस का दिया है वो सेम रहेगा बाकी जो टेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा फिर से याद कर लो प्रेजेंट हो तो एम आर भीतरी पास हो तो वाजबर भीतरी कॉन्टिन्यूस हो तो बिन प्लस भी थ्री परफेक्ट हो तो बिन प्लस भी थ्री फ्यूचर हो तो बी प्लस भी थ्री अब फ्यूचर हो या मॉडल्स हो इसको तुम मॉडल्स भी कह सकते हो तो टोटल मॉडल्स विल हो सुल हो विल हो उड हो सुड हो कुड हो मस्त हो माइट हो कुछ भी हो सबके साथ बी भी प्लस बी थ्री अब यहाँ ध्यान रखिए अब इतना चीज़ अगर याद है तो आपसे कभी गलती नहीं होगा अब सोचो बच्चे जहाँ ध्यान दो मेरी तरफ यहाँ पे मैं थोड़ा से इसको मिटा रहा हूँ अब हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे बस लिख दिया क्या हमने सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट लिख दिया भीतरी लिख दिया अदर वर्ड कर दिया यानी सबके साथ अगर मैं अदर वर्ड लिख दूँ और सबके साथ जोड़ दूं सब्जेक्ट तो मुझे बताओ ये आपको थोड़ा साउंड होना पड़ेगा टेंस का बेसिक जान चाहिए तो टेंस के लिए कहा जाओ अभी जस्ट आज ही लाइव किया हूं, लर्निंग पर कहा डीएसए लर्निंग पर उसे भी आप देख लेना इसको देखने के बाद पर इसे पढ़ लो फिर डीएसए लर्निंग देख लेना दोनों चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है तो हमने कहा इज एम आर प्लस वी थ्री वाज बियर वी थ्री बिंग वी थ्री बीन वी थ्री बी प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड लगा दिया उसके पहले लगा दिया सब्जेक्ट तो एक नया बन गया स्ट्रक्चर और इसको आप आराम से स्क्रीन शॉट ले लें और अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जो पीछे लिख लिया

हो सकता है। जब पैसे बनाओगे तो आप गया। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे राम रहेगा तो बाई राम कर देना यहाँ पे ही होगा तो बाई यहाँ पे हिम होगा तो यहां ही तो यहां कर देना जैसे अगर यहाँ पे आई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा मी यहां पे अगर हिम होगा तो यहाँ पे कर देना ही और बाकी सब सेम हो ही जाएगा अब यहाँ पे कुछ हम लोग करके चेक करते हैं कि बात यह सत्य है कि नहीं है तो इसी कॉन्सेप्ट पर आपको इसको याद कर लेना है और याद ये करना है कि प्रेजेंट होगा तो ईजाम भीतरी पास्ट होगा तो वाजबेर भी थरी और फ्यूचर होगा कंटिन्यूस होगा तो बिन भीतरी और परफेक्ट तो बिन प्लस भी थ्री और फ्यूचर प्लस मॉडल मौड, मॉडल्स हो तो बी प्लस भीतरी इतना आप भी लिख लिया अब मैं एग्ज़ाम्पल देख चेक करते हैं एग्ज़ाम्पल का क्या मामला हो सकता है और फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ ठीक बच्चे अब एग्जाम्पल चेक करते हैं फटाफट हमने यहां पे सेंटेंस लिया बच्चे समझना गौर से कि भाई हमने यहाँ दिया सेंटेंस अ मैंगो ठीक है हमने कहा कि सी ऑलवेज हेल्प्स मी अब दो एग्जाम्पल दिया हमने कि सी ही इट्स अ मैंगो शी ऑलवेज हेल्प मी दो एग्जाम्पल बच्चे से. अब दिया, को करना यहां ठीक है, करना यहां। क्या? क्या? क्या हमने? अब बोलो, है। मतलब प्रेजेंट है कि नहीं है तो यहां क्या लग जाएगा इज एम आर तो mango इज इटेन by हिम यहां का सी ऑलवेज helps मी तो मी को कर देंगे यहां तो हो जाएगा आई एम ऑलवेज हेल्प बाई हर अब जे करो सी आ गए यहां हेल्प हेल्प कर दिया इट्स कर दिया तो आप देख पा रहे हो इसको तो अब यहां कॉन्सेप्ट हो गया इतना समझ में आपको आता है तो इतना से काम नहीं चलेगा मुद्दा है कि आप इसका कैसे सेंटेंस बनाए इंट्रोगेटिव कैसे बनाए डब्ल्यू कैसे बनाए उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चे मुझे समझने का प्रयास करिए और जानने का प्रयास के दो कॉन्सेप्ट इतना आपने समझ लिया लिख लिया अब मुझे थोड़ा एडवांस की बात करें हमने कहा कि डू यू प्ले थोड़ा और लिखता हूं डू यू प्ले क्रिकेट डू यू प्ले क्रिकेट डू यू प्ले क्रिकेट अब ये सेंटेंस दिया हमने आपको जरा आप बनाना आप बना के मुझे बताओ कि इसका पैसिव क्या बनेगा मैं चेक करता हूं ऐसे काम ही चलेगा आप जब बना के मुझे आंसर बताओ मैं चेक करता हूं कि आपका आंसर राइट क्या हो रहा है क्योंकि तो पहले बेसिक पहले बेसिक समझ लो ना तब नहीं एडवांस समझ में आएगा आप जैसे इसका बना करके मुझे चेक कराओ कि आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो हमने कहा डू यू प्ले क्रिकेट इसका पैसिव क्या बनेगा जल्दी से बनाओ तब इस अगर बना दिया तो ऐसे-ऐसे सीजियल आपका गुलाम हो जाएगा इस पर एग्जाम आपका पास है इसका वॉयस बनाकर मुझे बताओ देखो बच्चे क्या वॉइस बना रहा है सब इसका वॉइस बना के मुझे के बताओ बच्चे क्या वॉइस बना रहे हो फटाफट जल्दी से मैंगो हो गया डू यू प्ले क्रिकेट का पैसे बना के दिखाओ बच्चे अब कोई कमेंट नहीं आ रहा कमेंट दिखाओ मुझे तभी पता चल पाएगा क्या तुम्हारा जवाब है जवाब आ रहा है जी वीडियो चल रहा है पीछे वीडियो चल रहा है पीछे <laughs> बच्चा जवाब दे रहा है मेरे में तो आ ही नहीं रहा कुछ भी हाँ हाँ चलिए यहां पे बच्चे मैक्सिमम गलत है देखो गौर से अब सबसे पहले वॉइस में कमी हो तो आप ये चेक करो सबसे पहले टेंस जब तक टेंस नहीं तो वॉइस नहीं जब तक टेंस नहीं तो वॉइस नहीं तो पहले टेंस पहचानो डू यू प्ले क्रिकेट डू यू डू का मतलब बोलो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है ना इंट्रोगेटिव है कि नहीं है ना तो बताओ प्रेजेंट है तो एम मार आएगा कि नहीं आएगा एम मार आएगा ना तो बिना एम मार तो वॉइस बनेगा नहीं सर अब क्रश् उठता है कि बोलो यू को उठा कर यहाँ करेंगे क्रिकेट को उठा कर यहां करेंगे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अब क्रिकेट जब यहाँ पे आएगा क्रिकेट यहाँ पे आएगा तो बताओ यहाँ पे आर कैसे आएगा आर तब ना आता जब यहां यू होता तो यहाँ पे डू है तो बोलो क्रिकेट के लिए इज आएगा नहीं आएगा इज क्रिकेट और प्ले का, ही प्ले का भित्री प्ले का भित्री प्लेड इज क्रिकेट प्लेड बाय यू चेक करो कितने बच्चों का सही था जी इज क्रिकेट प्लेड बाय यू बच्चों का सही हुआ है कुछ करो बताओ मुझे इज क्रिकेट प्लेट वायु कितने बच्चों का है बहुत सुंदर इज क्रिकेट प्लेट वायु बहुत सुंदर योगेश सिंह का बिल्कुल सही है योगेश सिंह का इज क्रिकेट प्लेड बाय बहुत सुंदर कुछ प्लेइंग कर दिया कुछ बच्चों को गलत भी हो गया बेटा कुछ बच्चों को गलत भी हो गया है इज क्रिकेट प्लेट वायु बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर पब्लिस्ट बाय बहुत सुंदर यीसू सबका सही है मरीन कुमार टिक तबियत एम डी आजाद बहुत सुंदर बहुत बच्चों का सही भी हुआ है बहुत सुंदर सुरेंद्र कुमार सिरभ कुमार रंजीत कुमार चेठ कुमार प्रेम कुमार अमन कुमार जयंत कुमार तलब कुमार तबला कुमार राकेश कुमार बहुत सुंदर बहुत बच्चों का सही भी हुआ है गुड 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 अब देखिए इज क्रिकेट प्लेड बाय यू अब प्रश्न उठता है कि आपको ये समझ अब मान लो मैं अगला क्वेश्चन दूं देखना कितना लोग घुमा रहा हो आप लॉलीपॉप यहाँ समझ लो अगर मैं कहूँ सेंटेंस कि वेन डू यू प्ले क्रिकेट वेन डू यू प्ले क्रिकेट इसका बताओ बॉइस क्या बनेगा जल्दी से अब देखो घबराना नहीं क्यों मैं आपको चेक कर रहा हूं यहां पर वेन हो वाई हो हा हो कुछ भी हो वेन हो तो वेन उतार दो कॉन्सेप्ट सीखो वेन है तो वेन अब देखो क्रिकेट कर यहां आएगा ना जब क्रिकेट यहां पे आएगा तो यहां पे डू के मतलब तो क्या हो जाएगा इज क्योंकि प्रेजेंट का मतलब इज एम आर यू होता तो आर लगाते तो वेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू इसका ये बनेगा वेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू इस तरह से अगर मैं लिखता वाई डू यू प्ले क्रिकेट लिखते वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू हम अगर कहते कि हाउ डू यू प्ले क्रिकेट लिखते हाउ इज क्रिकेट प्लेड बाय यू इस तरह से बना सकते हैं अब मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ थोड़ा सा लॉजिकल दे रहा हूँ आप देखना अभी कभी अभी दो मिनट के अंदर आपका दिमाग

राम इट्स अ मैंगो तो मैंगो इज इजेन बाय राम इतना काम सुनने आ गया गुड बच्चे अब अगर मैं ध्यान दो अगर मैं बाय राम ना बोलना चाहता हूं सिंपल बोलना चाहता हूं क्या मैंगो युटेन आम खाया जाता है राइट तुम्हें पीटा जाता है उसे भेजा गया मकान बनाए जाते हैं रोड बनता है कपड़ा सूख जाता है पुल बनता है सब्जियाँ बिकती हैं हम नहीं बोलते कि सब्जी बेचने वालों के द्वारा सब्जियाँ बेची जाती है कभी बोलते हो क्या ऐसा नहीं ना सिंपल बोलते हैं सब्जी बिकती है अब बोलो दुनिया का कोई सेंटेंस दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें डूअर का भाव हो डूअर <go -i> <college support> का मतलब काम करने वाला का भाव हो उसको हम पैसे वॉइस बनाते हैं जिसमें डूअर का भाव हो उसे एक्टिव नहीं बनाते पैसे बनाते हैं टेंस का मतलब होता है डूअर टेंस का मतलब होता है काम करने वाला और वॉइस का मतलब होता है काम नहीं करने वाला टेंस का मतलब जो डूअर है काम करने वाला है और वॉइस का मतलब जो काम करने वाला नहीं है समझना गौर से जो काम करेगा वो एक्टिव वॉइस जो काम नहीं करेगा वो पैसिव वॉइस अब ध्यान दो इस सेंटेंस में से हमने इसको हटा दिया इसको हटा दिया हटाने के बाद हमने क्या किया इसको भी हटा दिया समझना गौर से इसको भी हटा दिया अब जो बच गया ये क्या बच गया डायरेक्ट पैसिव इसे हम कहते हैं डायरेक्ट पैसिव समझना गौर से क्या कहते हैं बच्चे डायरेक्ट पैसिव इसे कहते हैं स्पोकन इसके कहते हैं रिटेन रिटेन और आजकल एग्जाम में यही पूछा जा रहा है एग्जाम्स में ही पूछा जा रहा है अब देखिए मैं गौर से सेंटेंस लिख रहा हूं हमने कहा आम हमने लिखा सब्जियां बिकती है हमने कहा सब्जियां बिकती है सब्जियां कंगी जी बोल फटाफट धीरे बोलूँ सब्जियाँ बिकती है सब्जियां क्या होता है वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स हुआ प्लुरल तो क्या लगा देंगे आर वेजिटेबल्स आर सोल्ड जिटेबल्स और सोल्ड सब्जियां बिकती है हमने कहा तुम्हें पीटा जाता है ध्यान देना गौर से तुम्हें पीटा जाता है तुम्हें पीटा जाता है अब इसका अंग्रेजी तुम्हें पीटा जाता है मतलब तुम तो बैठे हो पीट कोई और रहा है तुम्हें पीटा जाता है तुम बैठे हो पीट कोई और रहा है तो बोलो पैसे हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें पीटा जाता है तुम्हें का अंग्रेजी क्या होगा यू अब यू के साथ बोलो ईजे में से क्या लगाओगे तो कहोगे सर आर बोलो पीटना अंग्रेजी क्या होता है बीट यू आर बिटेन हो गया यू आर बिटेन तुम्हें पीट जाता है तुम्हें पीटा जाता है यू आर बिटेन अब बोलो हमने कहा कि मुझे पढ़ाया जाता है हमने स्नेश कहा मुझे कहते तो अंग्रेजी नहीं आता अरे बोलना सिखा रहा हूं मुझे पढ़ाया जाता है मुझे पढ़ाया जाता है आराम से सुनो मुझे पढ़ाया जाता है अब एक लड़का इसको टेंस बना रहा है गलत न हो जाएगा टेंस का नहीं है पैसिव वॉइस का है मुझे पढ़ाया जाता है पैसिव वॉइस है क्योंकि पढ़ाने वाला कोई है, आ आ करते दुन दुन और जब काम करने वाला नहीं हो बच्चे ध्यान दो तो मुझे पढ़ाया जाता है बोलो पैसिव है कि नहीं मुझे क्या हो जाएगा आई मुझे आई एम देखो ये मार तो आई एम पढ़ाना अंग्रेजी बोल दी से क्या रीड गलत टीच तो आई एम टीच का भीतरी बोलो ना भीतरी लेगा तो आई एम टॉट आई एम टॉट बोलो बच्चे बना के नहीं बना आई एम टॉट होगा बोलो होगा ना आई एम टॉट बोलो जल्दी से तो बोलो अंग्रेजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन मैं हिंदी लिख रहा हूं आपके लिए मैं चाहता हूं कि हिंदी समझो आप तो आई एम टॉट हुआ कि नहीं हुआ राइट right? अब बोलो मैंने सेंटेंस लिखा कि बहुत सेंटेंस हमने बोला मकान रंगे जाते हैं बोलो मकान क्या होगा बिल्डिंग्स हाउसेस अपार्टमेंट्स अब बोलो अपार्टमेंट्स बोलेंगे बिल्डिंग्स बोलेंगे तो आर लगेगा बिल्डिंग बोलेंगे तो इज लगेगा तो बिल्डिंग इज रिपेयर्ड अंग्रेजी बोलो ना बेटा खूब डरो मत अंग्रेजी कैसे बोले सर अब एक सेंटेंस हुआ एक्टिव में एक सेंटेंस हुआ पैसिव में तो एक्टिव का मतलब हुआ टेंस

अभी सेंटेंस को आज ही आप पचास लोगों से पूछना मैं आपको टास्क दे रहा हूं इस सेंटेंस को ना तुम पचास लोगों से आज पूछो मार्केट में जाओ अपने दोस्तों से विद्वान से विद्वान लोगों से जो अंग्रेजी का विद्वान है उसे पूछो मैं थक गया हूं का अंग्रेजी क्या होगा तो वो बोलेगा मैं थक गया हूं का अंग्रेजी पहले अंग्रेजी मत पूछना हे सुनो पहले अंग्रेजी मत पूछना पहले पूछना मैं थक गया हूं एक्टिव है कि पैसिव है पहले उसे ये पूछ लो कि मैं थक गया हूं एक्टिव है कि पैसे कंसेप्ट कंसेप्ट नहीं है दुनिया भाग रहा है कंसेप्ट सीखो ना पहले वॉइस जड़ है अब देखो दिल्ली दूर नहीं है आ जाओ दिल्ली दिल्ली आ जाओ थोड़ा ठहर के अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है थोड़ा ठहर के दिल्ली आना अभी दिल्ली में वायरस वायरस फैला हुआ है मामला थोड़ा गंभीर है दो चार दस दिन रुक जाओ आराम से आना है ना हम भी अभी कोचिंग वोचिंग क्या पता नहीं क्या करना पड़ेगा अभी फिलहाल तुम लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले लो फिलहाल के लिए ऑनलाइन क्लास घर बैठ के अभी फीस पर डिस्काउंट कर दिया हूँ पता है कितना फीस ग्यारह था चार हजार नौ सौ नानवे इसमें व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ आराम से लिख लेना ठीक है ना फिर लिख दूंगा व्हाट्सएप नंबर अब हमने कहा मैं थक गया हूँ तो मैं थक गया हूं क्या भाई तो वो बोलेगा एक्टिव वॉइस है तो तुम पूछना कि अंग्रेजी बना फिर इसका मैं थक गया हूं का अंग्रेजी बनाओ जब एक्टिव वॉइस है तो अंग्रेजी बनाओ तो वो पता है क्या बोलेगा बोलेगा आई एम टायर्ड वो बोलेगा आई एम टायर्ड

के बाद सिर्फ पैसे में होता है और कहीं नहीं होता सिर्फ पैसे तो आई एम टू पैसी हुआ कि नहीं अगर सर कैसे पहचानेंगे सर अंग्रेजी बोलने में लिखने में एग्जाम में कैसे पहचानेंगे सर तो पहचानने का सबसे सिंपल तरीका जिस काम को आप करवे नहीं करते हैं जिस काम को आप कर ही नहीं सकते हैं वह एक्टिव कैसे हुआ जब आप करोगे तब ना टेंस टेंस और वॉइस में ही तो अंतर है टेंस का मतलब जो हम खुद करते हैं जैसे मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ता हूं आई रीड मैं पढ़ाता हूं आई टीच तुम पढ़ते हो यू रीड तुम पढ़ाते हो यू टीच मैं खेलता हूं आई प्ले तुम खेलते हो यू प्ले तो ये ना टेंस हुआ और इसी को पैसे बना दीजिए मैं पढ़ाता हूं मैं पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच हो गया अब संदीप मैं, मैं काम कर रहा हूं लेकिन बोलू मुझे पढ़ाया जाता है तो मुझे पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने वाला कोई और है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, मैं कुछ नहीं कर रहा पढ़ा कोई और रहा है तो आई एम टॉट आई एम टॉट तुम्हें पढ़ाया जाता है टॉट उसे पढ़ाया जाता है ही टॉट राम को पढ़ाया जाता है राम इज टॉट नहीं नहीं बात समझा बात बच्चे इस तरह से बोलोगे तो अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा लिखना भी बोलना भी मेरी बात समझ में आ रही है अब बोलो इस सेंटेंस का हम नेगेटिव यह एक स्ट्रक्चर दिया अब बच्चे मुझे सोच बताइए कि इसका हम यहाँ क्या लिखा हूँ डायरेक्ट पैसिव इसको हम डायरेक्ट पैसिव कहते हैं स्पोकन कहते हैं रिटन कहते हैं एग्जाम ऐसी पूछता है अब बताओ मेरे बच्चे मेरे दोस्त मेरे भाई ये सब का आप पांच सेंटेंस छः सेंटेंस नहीं बना सकते ये पॉजिटिव है ना तो इसका निगेटिव हो सकता है ना इंट्रोगेटिव हो सकता है ना डब्लू एच हो सकता है ना कैसे सर करके दिखाइए दिखो देख लो

ठीक है हमने बाई नहीं लिखा एक तु, तु, तुम्हारे द्वारा बाई चल रहा होगा जहां बाई मिलता होगा उसी को वॉइस बनाएंगे सर बिना बाई का वॉइस नहीं बनाएंगे सर गलत कॉन्सेप्ट अरे भाई हम मैं बोलना चाहता हूं तुम्हें पीटा जाता है क्यों बोले तुम्हें राम के द्वारा पीटा जाता है मतलब राम नहीं होगा तो पीटा नहीं जाएगा क्या अरे उल्टा पुल्टा मत पढ़ो मेरे भाई सीधी बात करो

आर यू बी टेन आर यू नॉट बी टेन वाई आर यू बी टेन वाई आर यून टू बी टेन जितना मन करे ना बोलू अंग्रेजी इससे अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका आसान हो जाएगा बच्चे और अंग्रेजी बोलना लिखना आसान हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट और देखिए इससे जिससे आपका अंग्रेजी और आसान हो जाएगा इसी में इसी में कुछ नहीं सेम हम देखो हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जब लगाते हो देखना ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक कॉन्सेप्ट के बाद अंग्रेजी आसान हो जाएगा इज एम आर के बाद आप मुझे बताओ कि वी लगाने का मन करता है ना सर वी आने का मन करता है यस सर अब कहोगे इसके बाद नाउन भी आता है इसके बाद एडजेक्टिव भी आता है देखिए कॉन्सेप्ट क्या दे हूं इससे आपका ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट बोलना लिखना सब आसान हो जाएगा अब देखिए गौर से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भित्री इसे हम एक्टिव वॉइस नहीं कहते इसे हम पैसिव वॉइस कहते।, कहते हैं ध्यान दीजिएगा इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भित्री को हम पैसिव वॉइस कहते हैं कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए सब्जेक्ट प्लस ई जे मार भित्री को कहते हैं हम पैसिव वॉइस और ये होता है किस टेंस का सिंपल प्रजेंटेंस का ई जे मार्क वी फोर इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं ईजे मार्क प्लस वी फोर को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं किस टेंस का तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नॉन पॉजिटिव इसे कहते हैं हम नॉर्मल सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस राइट और इसको हम पैसिव नहीं बना सकते नो पैसिव इतना कॉन्सेप्ट दे दूंगा ना बच्चे कि आपका अंग्रेजी हलवा हो जाएगा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा अब देखो इजे और भीतरी अब अभी आप जस्ट हमने देखा था इजे मार भीतरी इसका मतलब कि ये नॉन डुअर होगा इसका मतलब कि ये डुअर होगा ध्यान दीजिएगा डूर होगा अब आपके दिमाग में एक बात जाता रहेगा कि सर नॉन डुअर और डुअर क्या होता है सर ये देखिए गौर से एम आर प्लस भितरी डूअर ईजे मार भित्री डूअर डूअर का मतलब होता है काम करने वाला जो काम करता है उसे हम डूअर कहते हैं यानी कि हमने कहा राम इज राइटिंग सॉरी राम सॉरी अ लेटर इज रिटेन अ लेटर इज रिटेन पत्र लिखा जाता है नॉन डूर है क्योंकि पत्र खुद से नहीं लिखेगा अगर हम राम लिख रहे हैं तो राम इज राइटिंग राम इज राइटिंग अ लेटर राम हो गया डूअर डूर का मतलब होता है बच्चे जो काम करता है उसे हम डूअर कहते हैं जो काम करता है उसे हम डूअर कहते हैं जो काम नहीं करता उसे हम नॉन डूअर कहते हैं बहुत बढ़िया समझिए जैसे हमने कहा कलम टूट जाता है ये बताइए कलम टूटेगा कि तोड़ेंगे कलम टूटेगा कि तोड़ेंगे और इतना नॉइज क्यों कर रहा है भाई ये कलम जो है टूटेगा कि तोड़ेंगे हम खुद टूटेगा इसको तोड़ेंगे ना टेबल गिर जाता है तो टेबल गिरेगा कि गिराते हैं गिराते ना है तो जो काम हम करते हैं यानी ये बेचारा कलम बेचारा खुद नहीं करेगा इसको हम तोड़ेंगे तो जो काम हम करते हैं यानी कि ये खुद नहीं करता वहाँ पे हम पैसे वॉइस का प्रयोग करते हैं जैसे हमने कहा अ लेटर इज रिटर्न मतलब पत्र लिखा जाता है तुम जाओ तो जोड़ दो अ लेटर इज रिटर्न बाई राम अ लेटर रिटर्न बाई मोहन रिटर्न बाई लता है ना तो आपको मैं वॉइस का बेस सिखा रहा हूँ जड़ कैसे है आप घबराना नहीं है आपको पता क्या है वॉइस बड़े बारीकी से एक सच्चे गुरु क्या आप सकता है आपको आपको एक जड़ से वॉइस पढ़ना पड़ेगा ये पूरे क्लास को ना एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बेसिकली सिखाने का प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन बेसिकली क्या है कि वो जड़ थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता ना तो और बेहतरीन होता मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन अगर आपका टेंस स्ट्रांग नहीं है तो वॉइस में दिक्कत होगा इसलिए टेंस भी इस वीडियो को देखने के बाद ना टेंस का वीडियो तो जरूर देख लेना आप किसका डी एस लर्निंग पे जाकर के तो वहाँ काम चल जाएगा अब देखिए हमने कहा अ लेटर इज राइटिंग अब लगता कह दिया अ लेटर इज राइटिंग तो गलत हो गया भाई जिस चीज को हम एक्टिव बना सकते हैं उसका हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि अ लेटर इज राइटिंग ए एक्टिव नहीं है, नहीं है पैसिव भी गलत सेंटेंस है आपके सामने को बोल दिया कि अ पेन इज ब्रेकिंग कलम टूट रहा अरे भाई कलम को हम तोड़ रहे हैं टूट नहीं रहा ये नॉन लिविंग बचा रहा है ये लिविंग नहीं हो सकता। इसलिए अ पेन इज ब्रोकन होगा आप पचास लोगों से पूछना आज कि बताओ अ पेन इज ब्रेक राइटिंग राइट है कि रॉन्ग है ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लेटर इज राइटिंग आज पूछना दस लोगों से है ना मैं तुम्हें सिखा दू लेटर राइटिंग गलत है क्यों तो अ लेटर हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट तुम्हारा हो गया अब राइटिंग हो गया अब देखो राइटिंग भी पूरा अ लेटर तुम्हारा नॉन डूअर है क्या बेटा नॉन डूअर कुछ काम नहीं करता इसलिए इसे एक्टिव होने का अधिकार नहीं है ये पैसे भी होगा जब हमारा सब्जेक्ट सुन लो गौर से जब हमारा सब्जेक्ट जब हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर हो नॉन लिविंग हो तो उसे एक्टिव होने का अधिकार खत्म एक्टिव नहीं हो सकता वो ए नहीं हो पैसे भी, भी होगा वो एक्टिव हो ही नहीं सकता वो पैसी भी होगा, एक्टिव हो ही नहीं सकता कब सर जब तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हो क्या हो नॉन लिविंग नॉन डूअर तो सिर्फ और सिर्फ पैसिव हो सकता है इसलिए राइटिंग गलत है सही क्या होगा सर तो सही होगा लेटर इज रिटेन लेटर इज रिटेन लेटर सही हो जाएगा क्योंकि लेटर हो गया नॉन लिविंग हिंदी का निकलेगा पत्र लिखा जाता है तो पत्र तो कोई भी लिख सकता है तो पत्र लिखा जाता है ये तुम्हारा राइट right हो जाएगा बात समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे बताइए अब मैं हर दिन लाइव आने वाला हूँ जब तक कोरोना वायरस बंद नहीं हो रहा तब तक मैं रोज लाइव आने वाला हूँ आप घर बैठ कर पढ़िए इसको इसको आप लिख लीजिए उतार लीजिए इसको घर बैठ कर इसको स्क्रीन शॉट लीजिए बढ़िया से है ना बढ़िया से कर लीजिए काम धीरे धीरे लिख लीजिए स्क्रीन ले लीजिए वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए आराम से और इस वीडियो को बार बार घुमाकर फिराकर आगे से पीछे से अभी हमने वॉइस में एक कॉन्सेप्ट दिया सिंपल प्रेजेंट का इसमें पूरा अभी बाकी है वॉइस टोटल छः सात आठ क्लास चलता है इसके बाद पाँच क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ तब जाकर के वॉइस का कॉन्सेप्ट बन के तैयार होता है तब आपसे बनने का प्रयास होता है बहुत आसान होता है क्वेश्चन इसका वो भी करवाऊंगा प्रैक्टिस हमने करवाया हुआ वॉइस को भी देख लेना आप थोड़ा सा करके काम तब बेहतर हो बच्चे देखो अभी क्या है ना अभी दिल्ली में थोड़ा सा ये दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस जो है ये लोगों को फैल रहा है तो आप भी थोड़ा बच के रहिए थोड़ा सा जो है कहीं भी कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसे हाथ उतना मिलाइए जुकाम वकाम हो जाए तो अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए और लोगों से हाथ जोड़कर नमस्ते करने का प्रयास कीजिए हैंड से करने का प्रयास ना करिए जितना ज़्यादा बचेंगे उतना सेफ्टी होगा एक्चुअली लोगों में दहशत इसलिए है कि इसकी मेडिसिन नहीं है बेसिकली ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ नहीं है इसका मोर्टिलिटी रेट कम है मरने का दर जो है वो कम है लेकिन जुकाम है अब सर्दी जुकाम बुखार तो कॉमन चीज़ इस सीजन ही ऐसा जो हो जाता है तो बेसिकली क्या है कि ज़ुकाम होने से व्यक्ति परेशान हो जाता है तो होता क्या है कि जुकाम जिसको हो गया वो डर गया तो आपको डरना भरना नहीं है जुकाम तो कॉमन चीज़ होगा ही होगा लेकिन आपको देखना है कि जब जुकाम हो गया हो तो आवागमन थोड़ा सा कम कर दीजिए नहीं तो लोग पकड़ लेंगे आपको क्या कोरोना वायरस हो रखा है लोग डरेंगे आपसे और आपके अंदर डर हो जाएगा तो करना है कि आपके अंदर अगर कोई इन कोई भी जुकाम हो खांसी हो तो उसको ठीक करने का प्रयास करें थोड़ा गर्म गर्म चीज़ खाएं हल्दी दूध खाएं या हल्दी वगैरह खाने का प्रयास करें ज़्यादा ज़्यादा और हल्दी का सेवन करें जिससे कि आपका जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और अभी जो है पशु पक्षी खाने का प्रयास कम करें थोड़ा सा अभी मौसम में तो ये मौसम ऐसा देखो ये मौसम क्या है ट्रांसन फेज का इसमें समय बीमारी तो ऐसे भी होती है इस समय सर्दी खांसी ज़ुकाम तो ऐसे भी होता रहता है तो इसमें ज़ुकाम वुकाम तो होता ही रहेगा ऐसे भी तो आपको थोड़ा सा बचना है बात समझ पा रहे हो क्योंकि पहले स्वास्थ्य जरूरी है इसलिए मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ घर बैठ करके अभी मैं तरह तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा तरह तरह की चीज़ काम भी करवाऊंगा कल परसों से स्पोकन भी आपको पढ़ाऊंगा घर बैठ करके तो इस तरह से आपको हर चीज़ मैं खुद दूंगा अभी आप घबराइए नहीं मैं आपको दिल्ली बुला लूंगा थोड़ा दस दिन आप दस पाँच दिन भी ठहर जाइए है ना आपको जो है इस महीने भर थोड़ा ठहर जाइए ताकि मौसम थोड़ा सा गर्म भी हो जाए आपका स्वास्थ्य भी हो जाए फिर आप जो है तीस मार्च के बाद अपना बैग पैक करना दिल्ली के लिए रवाना हो जाना अभी थोड़ा सा थर जाओ है ना थोड़ा सा मामला कर बाकी जैसा भी होगा मैं आपको लाइव कल भी कर दूंगा परसों भी कर दूंगा अभी तो मैं रोज़ ही लाइव आऊँगा डी एस लर्निंग पर भी और डी एस इंग्लिश पर भी लाइव आता रहूँगा कब तक रहना ठीक है अगर कोई मोटिवेशन का अभाव हो तो बी तूफान अपना चैनल है ना वहाँ से देख लो वहाँ मोटिवेट मिल जाएगा बी तूफान बाई धर्मेंद्र सर वो मिल जाएगा डी एस लर्निंग बाई धर्मेंद्र सर मेरा ही चैनल है प्रैक्टिस के लिए वहाँ टेंस पढ़ पाया पाए बेसिक वहाँ से काम हो जाएगा इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे चाहते हो कि नहीं सर दिल्ली नहीं आ सकता पी टू पी टी मेन्स या पूरा फाउंडेशन बैच इंग्लिश सीखने के लिए बोलने के लिए एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप डी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लें इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि डी मेरा वेबसाइट है वहाँ भी जा सकते हैं तो इसके साथ साथ काम आप कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकता है और एक एक बहुत ही सुंदर आपके लिए ऐप और भी आ रहा है डी एस एल लर्निंग ऐप तो उसको अभी लाऊंगा अभी आया नहीं है वो भी आपके लिए हो जाएगा आसान तो आप हर एंगल से काम करते रहना वो बहुत खूबसूरत ऐप आ रहा है आपके लिए और भी जो और भी कोर्सेज के लिए तो आप और भी काम कर सकते हो बेहतर तरीके से वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा बता दूंगा सब कुछ आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए धर्मेंद्र सर हमेशा सा आपके साथ हैं आपके लिए हैं और आपको पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए हैं इसको भी आप देखते रहिए और जहां भी जरूरत पड़े आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूं एक बार फिर मैं व्हाट्सएप दे, दे देता हूँ आप व्हाट्सएप नंबर कॉल करके आप मेरे को कर लीजिए और कल फिर मैं लाइव आऊँगा पढ़ाने के लिए अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है बेटा बोलना फिर से ट्रिपल नाइन जीरो नाइन ये ये पता है क्या है? क्या व्हाट्सएप नंबर है इस व्हाट्सएप में कॉल करना और कॉल कर करके आपको हर चीज आपको मिल जाएगा कोई बुक्स चाहिए जैसे इस बार सीजल का एग्जाम हुआ तो पता है क्या हुआ सारे क्वेश्चंस यही दो किताब से था ट्रिक्की और एडवांस ये दो किताब के पास अगर होगा तो आपने देखा होगा सारा हो भोकैीसी दो दो, दो बुक्स था इसके साथ क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो डीएसएल बुक्स है वह बहु सेम आया है बच्चों ने तो यह तो कह दिया कि सर कैसे किया दो सौ में दो सौ आ रहे हैं पचास से पचास आ रहे हैं सर मतलब पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस कर दिया बच्चे सब ऐसा ऐसा डी के बच्चे ब्रिलियंट हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना वो भी बेहतर कर पा रहे हैं तो यह चीज़ कर दिए एक्चुअली डी की जो फीस है ना वो ग्यारह फीस है इसको हमने बच्चों के लिए कर दिया फ्री हमने क्या किया कि कि मात्र चार हजार में इसमें क्या कि? इसमें वो कोर्स है और चार हजार की बुक्स ये भी फ्री कर दिया हम फ्री ये फ्री कर दिया तो आप इस व्हाट्सएप कॉल करना आप फोन नंबर दिया जाएगा उसको कॉल करना और ये इतने में मात्र बुक्स भी मिल जाएगा इतने का सारा बुक्स मिल जाएगा और क्लास भी आपको मिल जाएगा बस डरना नहीं आपको अगर मान लो कि आप पेमेंट कर रहे हो पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो मेरा अकाउंट नंबर दिया जाएगा उस अकाउंट पे भी आप पेमेंट कर सकते हो दिल्ली आना चाहो तो आ करके भी पेमेंट ले सकते हो कोई शो नहीं है आपको घबराना डरना नहीं है अकाउंट पर करो लर्निंग पे कहाँ भी करो आपको टेंशन नहीं लेना है आपका पैसा इधर नहीं जाएगा आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा सेब रहेगा और आपके लिए खर्च करूँगा और आपके पढ़ाने के लिए और बुक्स भी आपको फ्री दिलवाऊंगा हर कुछ मिलेगा आपको इसलिए आपको डरना नहीं है एक कुरियर चार्ज है सारे कुछ इसमें है और बिना बुक्स के ना सीख नहीं पाओगे वरना मैं तो फ्री पढ़ाता हूँ लेकिन सारे चीज़ होते हैं बोर्ड है सिस्टम है बहुत